शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाशपावली क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर परिसर में पैसे के विवाद को लेकर विक्की उर्फ विठल सिद्धार्थ बागड़े को एक व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शनिवार रात की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विक्की कुछ आपराधिक छवि वाले युवक के साथ रहता था। शनिवार की दोपहर विक्की ने आरोपी से पैसे मांगे थे। रुपए देने से इनकार करने पर विक्की ने जबरदस्ती आरोपी की जेब से 500 रुपए निकाल लिए। पुलिस से शिकायत करने के बाद पर देख लेने की धमकी दी। विक्की और उसके साथी ने आरोपी को परेशान करते रहे। आरोपी विक्की को सबक सिखाने की फिराक में था। शनिवार की शाम करीबन 7:15 बजे विक्की सिद्धार्थ नगर वाचनालय के पास खड़ा था। आरोपी भी वहां पहुंचा। उसने विक्की से अपने पैसे मांगे। विक्की ने गाली गलौज करते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। तभी आरोपी ने चाकू निकाल कर विक्की पर हमला कर दिया। विक्की वही गिर गया और आरोपी भाग गया। विक्की के साथ ही उसे उपचार के लिए मेयो अस्पताल ले गए। घटना की जानकारी मिलती ही पाशपावली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। विक्की को मेयो अस्पताल में भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले की आगे की जांच पाशपावली पुलिस द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन पाशपावली के सिद्धार्थ नगर में मृतक है विक्की बागड़े, 20 साल, और आरोपी है प्रभाकर मिश्रा, 50 साल। प्रभाकर मिश्रा ने विक्की बागड़े को 500 रुपये उधार दिए थे। वो 500 रुपये उधारी के वापस मांगने पर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े में प्रभाकर मिश्रा ने अपने पास से चाकू से विक्की बागड़े के छाती पे पीठ के मान के ऊपर में और हाथ पे मार के उसको जख्मी किया। उसको मेयो अस्पताल लेके गए, वापस उसको मृत घोषित किया। जैसे हमको खबर मिली, हम तुरंत घटनास्थल पहुँचे, आरोपी को ताबे में लिया है, आरोपी को अटक किया। ये घटना से उधारी के 500 रुपये के कारण से घटी है। इसमें आरोपी दारू पी के था और जो मृतक है वो भी गांजा पीने का शौकीन था। वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।